हे एवरी वन वेलकम बैक वेलकम टू अनदर वीडियो एंड इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट तुम किस तरह से खुद का एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक यूट्यूब तुम खुद स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हो तो ये एक वीडियो होने वाला है इट्स लाइक अ सिस्टम डिजाइन इसके अंदर हम डिज़ाइन डिस्कस करेंगे दैट किस तरह से वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स वर्क करते हैं एंड किस तरह से मैंने स्क्रैच से खुद का एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाया एंड हाउ आई एम यूजिंग इट ठीक है तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो वाला है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है एंड दिस वीडियो माइट हेल्प यू इन योर नेक्स्ट इंटरव्यू ऑफ योर सिस्टम डिजाइन सीरीज तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहले समझते हैं दट हाउ आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग ठीक है तो मैं इस वीडियो स्ट्रीमिंग चीज़ को कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सो इफ आई जस्ट क्विकली शेयर अप माय स्क्रीन एंड आई जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली इंट्रोड्यूस की टीचस्ट क्या चीज़ है ठीक है तो टी तो अगर तुमने ये वेबसाइट देखी होगी दैट इस लर्न डॉट पियूषकर डॉट डेव जहाँ पर लाइक आई होस्ट माई कोर्सेज ओके तो इस वेबसाइट के अंदर यू नो दैट यू कैन बेसिकली गो टू अ कोर्स राइट यू कैन एनरोल इन टू अ कोर्स एंड इसके अंदर यू हैव वीडियो कोर्सेस ठीक है तो ये जो वीडियोज़ हैं इन वीडियोज़ को यहाँ पर स्ट्रीम करना और आई वुड से इन वीडियोज़ को यहाँ पर प्ले करना इज़ नॉट दैट सिंपल ठीक है इट्स नॉट लाइक कि बस तुमने क्लिक किया एंड वो वीडियो प्ले हो रही है नहीं बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं फॉर एग्जाम्पल दिस वीडियो इज़ इनकोडेड सो दैट तुम्हें इसका बेस्ट रिव्यू मिले फॉर एग्जाम्पल यू कैन चूज़ बिटवीन द क्वालिटी ऑफ वन जीरो एट जीरो पी सेवन ट्वेंटी पी फोर एट्टी पी थ्री सिक्सटी पी तो ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं इन चीज़ों को कैसे स्ट्रीम किया जाता है तो वो पूरा सिस्टम डिजाइन में डिस्कस करने वाला हूँ एंड इसको मैंने किस तरह से इंप्लीमेंट किया तो वो सब चीज़ें तो मैं तुम्हें क्विकली टूर देता हूँ दैट वॉट इज टीचेस्ट तो बेसिकली ये जो वेबसाइट है दिस इज होस्टेड ऑन टीचेस्ट विच आई हैव बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड इसके ऊपर वॉट यू कैन डू इज अगर तुम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हो यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना यहाँ पर डोमेन कनेक्ट किया हुआ है ठीक है तो डोमेन कनेक्ट करने के लिए वॉट हैव डन आई हैव मेड माई माई ओन डी एन एस सर्विस एंड इसके अंदर यू कैन सी दैट वी हैव कोर्सेज है राइट यू कैन सी दैट ये ट्विटर क्लोन कोर्स है एंड हेयर यू हैव अ टाइप ऑफ एसिड्स ठीक है तो एसेड्स क्या होते हैं बेसिकली जो वीडियोज तुम देखते हो धैट आर ऑल एसेट्स तो इसके ये अंदर यू कैन डू अ बल्क अपलोड ऑफ वीडियोज अब यहाँ से पूरा वो प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट वेन एवर यू अपलोड अ वीडियो हेयर पहले वो वीडियो प्रोसेस होती है एंड जब वो वीडियो प्रोसेस हो जाती है यू कैन सी द ऑल द प्रोसेस्ड वीडियोज़ हेयर तो अगर मैं यहाँ पे करिकुलर में जाता हूँ यू कैन सी दैट यहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ हैं ये सब प्रोसेस्ड वीडियोज़ हैं एंड वॉट डू यू मीन बाई प्रोसेस्ड कि लाइक like, तुम इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर तुम इस वीडियोज़ को देख सकते हो तो डिस्कस करते हैं दैट ये पूरा सिस्टम डिज़ाइन किस तरह से वर्क कर रहा है कैसे इस चीज़ को मैंने इंप्लीमेंट किया सो दैट स्टार्ट विद द वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैट ये सारी चीज़ें काम कैसे कर रही हैं तो बहुत ईजी है ठीक है तो इसको ध्यान से समझना जो हमारा फ्लो स्टार्ट होता है ठीक है इस पूरे वीडियो प्रोसेसिंग का तो एल जस्ट क्विकली से दैट हम किस चीज़ की बात करें हम हम बेसिकली बात करें वीडियो ट्रांसकोडिंग की ठीक है हम इसमें बात करते हैं वीडियो ट्रांसकोडिंग की दैट किस तरह से वीडियो ट्रांसकोड होती है ठीक है ट्रांसकोड का मतलब होता है वीडियोज़ को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर ट्रांसकोड करना सो वॉट हैपन्स बेसिकली मेरे इस बैक एंड के अंदर दो तरह के यूजर्स होते हैं ठीक है एक यूजर होता है विच इज़ लाइक अ टीचर ठीक है इसके पास एक रोल होता है विच इज़ लाइक अ टीचर एंड बाकी होते हैं लाइक like स्टूडेंट्स तो अगर तुम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन इन करोगे दैट इज लाइक लॉर्न डॉट प्यूशर ऑट डेव सो यू विल भी असाइंड अ रोल ऑफ स्टूडेंट तो मतलब कि जो ये बैक एंड है ठीक है ये जो बैक एंड है दिस बेसिकली अलाउज कि सिर्फ टीचर्स ही वीडियोज़ को अपलोड कर सकें ठीक है तो यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है दैट वेन एवर यू अपलोड अ वीडियो तो वट आई डू इज़ बेसिकली सो दिस इज ऑल सर्वरलेस ठीक है तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ दैट इज पूरा का पूरा आर्किटेक्चर जो है वो सर्वरलेस के ऊपर वर्क करता है सो वॉट हैपन्स वेन एवर यू अपलोड अ वीडियो वेन एवर यू ट्राई टू अपलोड अ वीडियो सो हाउ इट हैपन्ज अभी के लिए मैं स्टूडेंट्स को यहाँ से हटाता हूँ बिकॉज देर इज नो रोल ऑफ अटूट हे सो देर इज अ लामडा फंक्शन ओके सो देर अ लामडा फंक्शन तो टीचर क्या करता है जब भी उसको कुछ बल्क अपलोड करना है इट आस्क दैट हे लामडा फंक्शन आई वॉन्ट टू अपलोड लेट से टेन वीडियोज ठीक है आई वॉन्ट टू अपलोड टेन वीडियोस तो ये लामडा फंक्शन क्या करता है फर्स्ट ऑफ ऑल इट चेक्स दैट यू आर अ टीचर और नॉट ठीक है तो यहाँ पे एक ऑथोराइजेशन होता है दैट क्या तुम्हारे पास परमिशन है वीडियोज को अपलोड करने का ठीक है अगर तुम्हारे पास परमिशन है वीडियोज को अपलोड करने का ये क्या करता है ये एक साइंड यू रिटर्न करता है ठीक है ये क्या करता है ये एक साइंड यू रिटर्न करता है ए डब्ल्यू एस एस थ्री बकेट का ठीक है तो साइंड यूरल्स क्या होते हैं तो बेसिकली एक ऐसा यू होता है जिसको यूज़ करके तुम डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो एक बकेट के अंदर तो यहाँ पर वॉट हैपन्स देर इज़ अ बकेट ठीक है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक बकेट है सो दिस इज एन एस थ्री बकेट एंड इस बकेट का एक नेम है दैट दिस इज़ अ टेम्प्रेरी बकेट ठीक है दिस इज़ अ टेम्परेरी बकेट तो वॉट हैपन्स बेसिकली इस पर्टिकुलर बकेट का जो साइंड यू होता है वो हमारे टीचर के पास वापस रिटर्न होता है हमारे क्लाइंट साइड पर एंड इस ये टीचर का क्लाइंट क्या करता है ये टेन की टेन वीडियोस जितनी भी इसने से वीडियोस सेलेक्ट करके ये टेन वीडियोस इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर अपलोड कर देता है ठीक है तो ये टेन की टेन वीडियोस इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर अपलोड हो जाती है एंड देन व्हाट हैपन्स बेसिकली जब इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर ये टेन की टेन वीडियोज अपलोड होती हैं लाइक वन बाय वन दीज गेट अपलोडेड ये बकेट क्या करता है ये बकेट के ऊपर देर इज एन इवेंट ब्रिज सेटअप ओके सो देर इज एन ईवेंट ब्रिज विच इज़ सेटअप ऑन दिस पर्टिकुलर बकेट तो इवेंट ब्रिज बेसिकली क्या करता है इट्स एन इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर तो हम इवेंट ब्रिज के अंदर एक रूल लिख सकते हैं दैट या जब भी एक वीडियो अपलोड हो तो, तो मुझे एक काम करना तो मेरे लिए एक लामडा को ट्रेगर कर देना लाइक यू कैन हैव एनी थिंग यू कैन डू एनी टास्क ऑन अपलोड ऑफ दिस थिंग ठीक है तो इस इवेंट ब्रिज का क्या काम है ये इवेंट ब्रिज क्या करता है जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सो दिस इवेंट ब्रिज बेसिकली ट्रिगर्स अनदर अदर लामडा फंक्शन तो यहाँ पर एक लामडा फंक्शन है ये लामडा फंक्शन ट्रिगर हो जाता है एंड दिस लामडा फंक्शन हैज़ एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर वीडियो जो भी वीडियो इस टाइम पर अभी 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 यहाँ पर अपलोड हुई उस वीडियो की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका मेरा डेटा उसकी की किसने अपलोड की तो वो सब चीज़ें इसके पास अवेलेबल होती हैं अब यहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग काम शुरू होता है ठीक है यहाँ से किस तरह से वीडियो ट्रांसकोडिंग काम करती है सो वॉट दिस पर्टिकुलर लामडा फंक्शन डज ठीक है तो इस लामडा फंक्शन के पास आया तो ये लामडा फंक्शन क्या करता है इस चीज़ को ठीक है इस पर्टिकुलर चीज़ को एक क्यू के अंदर पुश करता है ठीक है तो यहाँ पर वी हैव अ क्यू एंड इस क्यू का नेम होता है जॉब्स ठीक है यू कैन एज्यूम दैट ये कुछ वीडियो जॉब्स करके क्यू है तो यहाँ पर वी हैव अ क्यू ठीक है तो दिस इज अ क्यू एंड इस क्यू के अंदर ये पर्टिकुलर जॉब पुष्ट हो जाती है अब ये क्यू कैसे काम कर रही है दिस इज अ रेडिस बेस्ड क्यू ठीक है तो दिस इज अ रेडिस बेस्ड क्यू तो इट्स लाइक अ लिस्ट, ठीक है तो रेडिस के अंदर यू हैव डेटा स्टॉक्चर दैट इज लिस्ट, तो लिस्ट बेसिकली क्यू की तरह काम करती है सो वट आई डू इज़ मैं इस क्यू के अंदर एक जॉब पुष्ट कर देता हूँ दैट हमें ना इस वीडियो को ट्रांसपोर्ट करना है ठीक है तो लेटर इ दैट अगर यूजर ने टेन वीडियोज़ अपलोड की देर विल बी टेन जॉब्स ओके देर विल बी टेन डिफरेंट जॉब्स इन दिस क्यू ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो क्यू के अंदर इनकी हो जाती है नाउ देर इज़ अ कंज्यूमर ठीक है अब ये जो कंज्यूमर है ना ये जो कंज्यूमर है दिस कंज्यूमर हैज़ टू बी वेरी 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 स्मार्ट ठीक है कैसे ये कंज्यूमर क्या करता है ये लेट्स से दैट इसके ऊपर मैंने एक कॉन्करेंसी रखी है फाइव की ठीक है वॉट डू यू मीन बाई कॉन्करेंसी कॉन्करेंसी का सिंपल सा एक मीनिंग होता है दैट एक बार में मैं कॉन्कुरेंटली कितनी वीडियोस को प्रोसेस कर सकता हूँ लेट्स से दैट देर आर हंड्रेड वीडियोस, लेकिन मेरी अगर कॉन्कुरेंसी फाइव की है आई कैन ओनली एंड ओनली प्रोसेस फाइव वीडियोस एट अ टाइम वाई डू आई नीड कॉन्कुरेंसी बिकॉज देर इज़ अ बजट ठीक है अगर ज़्यादा वीडियोज़ कॉन्कुरेंटली होंगी तो उसमें क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट हैव दैट लिमिट ऑन माई ए डब्ल्यू एस ठीक है तो मेरी लिमिट क्या है दैट आई कैन ओनली स्पिन अप लाइक सेवन ई सी एस कंटेनर्स मतलब डॉकर कंटेनर्स सो दैट इज वाई मैंने इसको फाइव पे सेट किया दैट यार मैं एक बार में सिर्फ पाँच वीडियोज़ को ही प्रोसेस करना चाहता हूँ विच इज़ ओके राइट विच इज़ ओके तो ये कंज्यूमर क्या करता है ये कंज्यूमर एक रेडिस ठीक है तो यहाँ पर कंज्यूमर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये कंज्यूमर है राइट तो इस कंज्यूमर का काम किया दैट ये वीडियो एक वीडियो को उठाएगा ठीक है ये प्रोसेस नहीं करेगा ये सिर्फ क्या करेगा वीडियो को उठाएगा एंड इस रेडिस के अंदर आई हैव अस्टेट जो ट्रैक करती है दैट इस टाइम पर कितनी वीडियोज प्रोसेस हो रही है ठीक है लेटेस्ट से दैट इस रेडिस के अंदर अभी हमारे काउंट है जीरो इसका क्या मतलब है दैट अभी ना एक भी वीडियो प्रोसेस नहीं हो रही तो ये कंज्यूमर जो है ये कंज्यूमर क्या करता है इट बेसिकली रीड्स द रेडेस डेटाबेस ठीक है रेडेस को रीड करता है वो देखता है दैट इस टाइम पे ना अभी जीरो वीडियोस प्रोसेस हो रही हैं तो मतलब कि हमारी कॉन्करेंसी फाइव की है आई कैन पिकअप फाइव जॉब्स फ्रॉम द क्यू तो ये क्या करेगा इट विल पिकअप फाइव जॉब्स ठीक है तो ये क्या करेगा फाइव जॉब्स पिकअप करेगा फ्रॉम क्यू ओके एंड इट विल स्पिन अप फाइव डिफरेंट डॉकर कंटेनर्स ठीक है तो ये चीज़ क्या करेगी यहाँ पर क्या होगा ये आई एम यूजिंग अ सर्विस नोन एज ए डब्ल्यू एस ई सी एस विच इज़ इलास्टिक कंटेनर सर्विस तो ये क्या करता है ये फाइव डिफरेंट कंटेनर्स रन करता है ठीक है सो तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर ये एक डॉकर कंटेनर वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो फाइव डिफरेंट डॉकर कंटेनर रन करते हैं जिसके अंदर एक कस्टम इमेज चल रही है आई टेल यू वॉट दैट इमेज चस एंड इसके अंदर ये क्या करता है ये यहां पर लाइक इस डॉकर कंटेनर के ENV के अंदर सेट कर देता है है दैट किस वीडियो को प्रोसेस करना ठीक है थीके? तो क्या हुआ एंड ये क्या करता है लाइक फाइव फाइव डिफरेंट कंटेनर्स को स्पिन किया एंड जब ये कंटेनर स्टार्ट हो जाते हैं इस रेडिस का काउंट हम कर देते हैं फाइव इसका क्या मतलब है दैट फाइव वीडियो करंटली प्रोसेस हो रही हैं एंड इस वीडियो प्रोसेसिंग के अंदर काफ़ी टाइम लगता है अ टेन मिनट्स वीडियो अगर एक टेन मिनट्स की वीडियो है तो उसके लिए यू इट कैन टेक लाइक ट्वेल्व टू फिफ्टीन मिनट्स ठीक है तो ये कंटेनर्स क्या करते हैं ठीक है तो ये कंटेनर्स क्या करते हैं ये कंटेनर्स इस बकेट के अंदर से इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पर हमारे पास एक बकेट थी राइट right? तो यहाँ पर वी हैव दिस बकेट तो ये क्या करते हैं इस बकेट के अंदर से इन वीडियोज़ को लेते हैं ठीक है तो फाइव डिफरेंट बकेट्स तो यहाँ पर वीडियो वन है लेट्स यहाँ पर टू है यहाँ पर थ्री है यहाँ पर फोर एंड यहाँ पर फाइव है तो पहले तो ये प्रोसेस करने से पहले डेटाबेस के अंदर एंट्री कर देते हैं दैट हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करने वाले हैं सो दैट यूजर नोस नोज दैट कौन कौन सी वीडियोस हैं जो प्रोसेस हो रही है फिर ये कंटेनर्स क्या करते हैं दिस कंटेनर्स आर रनिंग उबुंतु ठीक है तो इन कंटेनर्स के अंदर उबुंतू चल रहा है एंड इसके अंदर देर इज़ अ समथिंग नोन एज एफ एफ एम पी ई जी ठीक है तो इसके अंदर एक सी एल आई टूल इंस्टॉल है एफ एफ एम पी ईजी तो ये एफ एफ एम पी ईजी क्या करता है वीडियो प्रोसेसिंग के लिए एक सी एल आई टूल होता है अगर तुम्हें वीडियोज़ के ऊपर कोई भी टास्क करना है फॉर एग्जाम्पल वीडियोज़ को ट्रिम करना है वीडियोज़ को कट करना है पेस्ट करना है लाइक कुछ भी करना है वीडियोज़ के ऊपर कोई वाटर मार्क एड करना है तो एफ एफ एम पिक सब कुछ कर सकता है तो ये क्या करते हैं ये इन वीडियोज़ को ना प्रोसेस करते हैं प्रोसेस करने का क्या मतलब ये क्या करते हैं लेट्स से दैट ये जो हमारा यूज़र था ना इसने ना एक वीडियो अपलोड की दैट इज़ इन फोर के फॉर्मैट ठीक है तो क्या मैं सिर्फ फोर के फॉर्मेट तो सभी को नहीं दे सकता ना वीडियो द रीज़न फॉर दैट इज़ दैट किसी का इंटरनेट स्लो है किसी का फास्ट है किसी का मोबाइल डिवाइस फोर के वीडियो सपोर्ट कर सकता है किसी का नहीं तो मुझे तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट चाहिए मेरी वीडियोज़ के लिए तो ये क्या करेगा ये इन फोर के वीडियो एक फोर के वीडियो को लेगा एंड इंटरनली ठीक है इंटरनली ये जो पर्टिकुलर जो मशीन है न ये इंटरनली चाइल्ड प्रोसेसिस को स्पॉन करती है ठीक है मतलब नोट जेस के अंदर यू हैव समिंग नोन चाइल्ड प्रोसेस तो ये क्या करता है ये फोर डिफरेंट प्रोसेस स्पॉन होती हैं तो एक प्रोसेस वन जीरो एट जीरो पी को ट्रांसपोर्ट uh, करती है सेकेंड वन सेवन ट्वेंटी देन थ्री सिक्सटी एंड आई थिंक आई एम मिसिंग या फोर एटी ठीक है तो फोर एटी ऊपर आना चाहिए बट यू गॉट द पॉइंट तो फोर डिफरेंट प्रोसेस स्पॉन होती है ठीक है इंटर चाइल्ड प्रोसेस एंड ये क्या करते हैं एफ एफ एम पैक को यूज़ करके एफ एफ एम पैक को यूज़ करके इन सब को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में इनकोड करना स्टार्ट कर देती है ठीक है इनकोड करने के बाद इन वीडियोज़ को ये कहाँ स्टोर करती हैं ठीक है दैट इज़ द पॉइंट कि ये जो वीडियोज़ है क्या होता है देन देर इज़ सेपरेट बकेट ठीक है इस बकेट का नाम जेट से हमारा इस बकेट का नाम है फाइनल आउटपुट ठीक है हमारे पास एक डिफरेंट बकेट है तो ये क्या करते हैं ये एफ एफ क्या करता है इन वीडियोस को ट्रांसपोर्ट करते करते इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर स्ट्रीम करता रहता है ठीक है इस बकेट के अंदर इसको अपलोड करता रहता है तो यहाँ पे इस बकेट के अंदर वॉट यू विल हैव इज की यू विल हैव वन जीरो एट जीरो पी फॉर्मेट सेवन ट्वेंटी पी थ्री सिक्सटी पी एंड फोर एटी पी एंड जब ये कंटेनर अपना काम खत्म कर देता है वेन दिस कंटेनर इज़ डन वर्किंग तो ये क्या करता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे डेटा के अंदर एक अपडेट करता है दैट ये पर्टिकुलर वीडियो अपलोड हो चुकी है एंड हमारा जो ये रेडिस का काउंट है ये एक से डिक्रीमेंट हो जाता है कि इस टाइम पे फोर कंटेनर्स आर रनिंग एंड ये अपने आप को ग्रेसफुली शट डाउन कर लेता है ठीक है तो अब ये कंज्यूमर देखेगा दैट ओके okay, अब हमारी रेडिस फोर हो गई है तो ये क्या करेगा ये एक और जॉब को पिकअप कर सकता है ठीक है तो यानी कि हुआ क्या इस पॉइंट पे इफ़ यू हैव टेन जॉब्स लेट से बहुत सारी हमारे पास जॉब्स थी तो पहले फाइव जॉब्स गई राइट तो वन टू थ्री फोर फाइव जैसी एक जॉब ख़त्म हुई इसने नेक्स्ट जॉब को हमारे दोबारा से एक कंटेनर स्पिन होगा जिसके पास हमारी फिफ्थ जॉब होगी एंड ऐसे करते करते कॉन्करेंटली फाइव वीडियोस कॉन्करेंटली प्रोसेस होती हैं एंड वो हमारे इस फाइनल बकेट में जाती हैं एंड जैसे ही वो फाइनल बकेट में जाती है तो इस पर्टिकुलर टेम्प्रेरी बकेट से हम उसको डिलीट कर देते हैं ठीक है हम उसको डिलीट कर देते हैं एंड देन वट हैपन्स हमारा जब भी तुम आ, किसी वीडियो को प्ले करने की ट्राई करते हो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स राइट तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर तुम चूज़ कर सकते हो दैट किस वीडियो को तुम प्ले करना चाहते हो तो इस तरह से पूरा वर्क किया जाता है तो यहाँ पर मेन काम किस चीज़ का यहाँ पर सारा मेन काम है डॉकर का ठीक है तो डॉकर जो ई के ऊपर रन करते हैं एंड ये इस ई सी डॉकर के अंदर यू हैव उबंतु इमेज ठीक है उबंतु एंड एफ एफ जो क्या करता है जो इस पर्टिकुलर चीज को ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है एंड ये चीज़ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ठीक है अगर हम कॉस्टिंग की बात करें बिकॉज जो ई है वो बहुत 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 चीप है ठीक है इट्स नॉट रियली एक्सपेंसिव अगर मैं खुद का एक EC2 सर्वर रन करूं, ठीक है उसके ऊपर मैं डॉकर रन करूं, तो वो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा बिकॉज EC2 सी टू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्वेंटी फोर बाई सेवन रनिंग रहेगा ठीक है नंबर वन नंबर टू EC2 सी टू इज़ वेरी एक्सपेंसिव तो ई क्या है ना ई सी ऑन डिमांड होता है तो जब तुम्हें कंटेनर चाहिए तभी रन करेगा एंड वेन यू डोंट नीड इट तो ये खुद को ग्रेसफुली शट डाउन कर लेगा तो उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट बचती है लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं कोई कोर्स नहीं बना रहा राइट देर आर नो वीडियोज़ इन दी क्यू एंड वॉट हैपन्स अगर कोई वीडियोज़ क्यू के अंदर ही नहीं है तो कोई भी कंटेनर रन नहीं करा एंड मेरे को कोई भी कॉस्ट नहीं आ रही ठीक है तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत एफिशियंट है आई वुड फील बिकॉज आई एम डूइंग थिंग्स ऑन डिमांड ठीक है ऑन डिमांड के ऊपर चीज़ें हो रही है एंड दिस दीज आर वेरी स्मॉल मशीन्स लाइक दीज आर लाइक हैविंग लाइक आई थिंक दीज आर हैविंग फोर सी पी यूज एंड आई थिंक इट हैज़ एट जी बी ऑफ रैम तो मुझे एक्जैक्टली कन्फिगरेसन याद नहीं है बट दीज आर डिसेंट मशीन्स ठीक है जो अपना काम करते हैं ख़त्म होती है एंड बेसिकली दी प्राइजिंग इन एजॉन लाइक कितनी देर के लिए रन करी ठीक so, तो uh, है, so, है तो अगर कोई लॉन्गर कोर्स मैं अपलोड करता हूँ तो वो ज़्यादा मनी स्पेंड होता है ठीक है तो दीज आर दिंग्स एंड उसके बाद बकेट का कॉस्ट है तो बकेट का कुछ ज़्यादा कॉस्ट होता ही नहीं है ठीक है अमेजॉन एस थ्री ए डब्ल्यू एस एस थ्री इज़ वेरी चीप तो यहाँ के अंदर बस एक स्टोरेज का कॉस्ट होता है दैट्स ठीक है तो ये एक प्राइवेट बकेट है अगर इसके अंदर से तुम्हें डेटा को एक्सेस करना है यूनिट साइन ड्यूअरल्स एंड वो कब बनता है जब तुम कोर्स के अंदर इनरोल करते हो देन बेसिकली दिस पर्टिकुलर बकेट मेक्स अ साइन ड्यूरल फॉर यू सो दैट तुम उस वीडियो को एक्सेस कर सको तो ये आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है विच आई एम यूजिंग ठीक है एंड बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है एंड आई नो दैट बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर हो सकती हैं बट दिस जॉस द जॉब एज ऑफ नाउ एंड बहुत ही चीप वे में कर देता है ठीक है आंसर दिस इज हाउ बेसिकली मेरा जो पीडियो ट्रांसकोर्डर है वो वर्क करता है एंड जिस तरह से तुम्हें तो बेस्ट क्वालिटी या फिर बेस्ट वेरियंट मिल सके हर वीडियोज़ का ठीक है तो कमेंट्स में जरूर बताना दैट ये वीडियो कैसा लगा एंड अगर तुम्हें इस तरह की वीडियोस और पसंद है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना तो मैं टीचर्स के ऊपर जो भी मैंने चीज़ें इंप्लीमेंट की वेदर इट्स लाइक एस एस ओ वैर इट्स वीडियो प्रोसेसिंग वेदर इट्स ऑथेंटिकेशन या और भी जितनी भी चीज़ें कैशिंग एंड ऑल तो अगर तुम्हें इस तरह की सिस्टम डिजाइन वीडियोज़ पसंद है ठीक है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना तो इस तरह की मैं और डिटेल्ड वीडियोज़ लेकर आऊँगा एंड इफ यू इवन वॉन्ट अगर तुम्हें थोड़ा सा कोड पार्ट भी चाहिए कोड्स नेट्स भी चाहिए दट हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग इंटरनली तो मैं वो भी हैप्पीली दिखा सकता हूँ तो कमेंट्स में जरूर बताना दैट इस तरह की वीडियोस तुम्हें कैसी लगी एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाय बाय टेक केयर